दोस्तों, हमारे देश भारत में आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे देश में सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा आ जाता है। अभी इसी महीने की 25 तारीख को, 25 सितंबर को, जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी सुशांत सिन्हा के साथ पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में एक बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से 100% डिसएग्री करता हूँ। जब वो असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि मैं उनकी पॉलिटिक्स से एक दो नहीं बल्कि 100% डिसएग्री करता हूँ। पहले आप उनका ये बयान देखिए। आपने कहा ना कि लोग खुश होते हैं मुसलमान सब जब वो ये बात कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, तो इसका मतलब ये है कि वो ये साबित करता है कि हिंदू जो है उसको हम देख लेंगे। तो रजाकारों ने यही सब तो किया था, हैदराबाद का वो पुराना किस्सा है। तो ये तो मुसलमानों, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है ये बात। मुसलमान इस मुल्क में रहने का फैसला किया मुसलमान ने, तो वो किसी फौज की वजह से नहीं किया है, अपने हिंदू भाइयों की वजह से किया, उनके साथ रहने के लिए किया। हम आपके साथ हैं, आपका बुराई में हमारी बुराई है, आपकी अच्छाई में हमारी अच्छाई है। ये मुल्क हमारा है, हम कहते तो हमारे का मतलब ये नहीं है मुसलमानों का मुल्क है, ये हमारा और आपका यानी ज्वाइंट असेट है हमारी, ये असेट है हमारे पास जो हमारे मालिक ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने दिया। इसको प्रोटेक्ट करना, तरक्की देना, आगे बढ़ाना हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है। भैया तुम बहुत बहादुर बनते हो तो ज़रा चले जाओ ना, तुम चीन का इतने दिनों से मसला उठा रहे हो, डोक चाम का, कहाँ कहाँ का, जाओ ना, कौन कौन मना करता है। तो ये बात नहीं। उसी बयान में मौलाना महमूद मदनी कहते हैं, उसी पॉडकास्ट में, कि जमीयत उलेमाए हिंद 20-25 साल से ये मांग करती आ रही है कि आसाम में NRC होना चाहिए, जबकि NRC का मुद्दा ही BJP के आने के बाद उठा है। तो समझ ये नहीं आ रहा है कि मौलाना महमूद मदनी की ज़ुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो अल्फाज उनके हैं या किसी और के हैं, ज़ुबान सिर्फ उनकी है। वो NRC, जिस NRC को लेकर दिल्ली में 4 महीने ओखला में धरना चला था, वो NRC जिस NRC को लेकर बहुत सारे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान जेलों के अंदर बंद है। देखिए पहले मौलाना महमूद मदनी का ये शॉर्ट क्लिप देखिए कि आखिर मौलाना कहते क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है वो NRC वहां। हाँ, ये देखिए, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और क्या निकला? खोदा पहाड़, निकला चूहा। लेकिन जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ। हाँ, अच्छा हुआ है ना। लेकिन वो बनाया हम डिमांड करते चले आ रहे थे आपको। मैं रिकॉर्ड से साबित करूंगा कि जमीयत उलेमाए हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि NRC कराओ आसाम में। अभी आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे NRC कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम नहीं डरते। गया था सर शाहीन, आप हमें घुसपैठिया मत बताइए, हम नहीं डरते। किसने बताया? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा हूँ, कहने वालों को कह रहा हूँ। नहीं, मैं शाहीन बाग गया था सर, जब वो CA NRC का विरोध हो रहा था वहां, तो किसी ने जाके नहीं बताया कि भाई तुम लोग गलत बैठे हुए हैं। अब एक साहब का वीडियो और दिखाते हैं हम आपको, वो मौलाना महमूद मदनी के बारे में क्या कहते हैं। आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद, उस वीडियो के देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महमूद मदनी साहब का एक अभी इंटरव्यू वायरल हो रहा है सुशांत सिंह सिन्हा के साथ। तुम जानते ही हो कितना बड़ा पत्रकार है और कितना बड़ा BJP का एजेंट है, कितना बड़ा BJP का दलाल है। उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, उन्हें NRC करने को जायज कहा जा रहा है। और जो इम्तियाज जलील साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस बेगैरत पंडित के खिलाफ जो है रैली निकाली है, उसको जो है गैर कानूनी बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को पॉलिटिक्स से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यार इन मदनी साहब के लिए हम जैसे लोग कुछ कहते हैं तो इनके चाहने वालों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। अब इनकी जबान को कौन रोकेगा? जितने भी ये बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जितने इनके सफेद बाल होने लगते हैं ना, उतना ही इनके अंदर बुजदिली, चापलोसी। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने नागपुर में दाखिला ले लिया, नागपुर में एडमिशन ले लिया इनके चचा ने भी और इन्होंने भी।
और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ना तो खुद ये सियासत में आना चाहते हैं और ना दूसरों को आने देना चाहते हैं, बल्कि आना क्या चाहते हैं, खुद तो एक बार एमपी बन के बैठ गए और खा लिया कौम का पैसा, ठीक है, और अब दूसरों को, अब होना तो ये चाहिए मुसलमानों को, नीतीश कुमार की 8 सीटें हैं और उसकी नायडू वगैरह की कितनी सीटें हैं, मोदी जी पैर पकड़ो फिर रहे हैं उनके, सिर्फ काय के लिए, इसके लिए कि हमारे साथ सरकार बना लो। मुसलमानों को ये कहते हैं तुम कोई सीट ना लाओ, कोई एमपी ना बनाओ अपना, और जो है भाई हिस्सेदारी जरूरी है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें एक नंबर है, वो बिल्कुल बजा है अपनी जगह, और इनके जैसे मौलवी अल्लाह इनको उठा करके वहीं रखेगा, जो उलमा सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे ना, मुझे डर है इस बात का कि सबसे पहली सफ में उनमें ये मदनी साहब खड़े होंगे वहां जहन्नम की लाइन में, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वीडियो के देखने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर जो एक भूचाल सा आया और मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो जख्म उखड़े और मुस्लिम नौजवानों ने जो पोस्ट करना शुरू की, उसमें किसने क्या पोस्ट की, हम आपको तमाम कमेंट्स स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ भी सकते हैं और जो पढ़ना नहीं जानते वो सुन सकते हैं। बिलाखिर मौलाना महमूद मदनी को ऐसे सवालों के जवाब को कैसे देना चाहिए ये आप लोग बेहतर जानते हैं। बाज़ लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं देखिए, पहले हम आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आप इन स्क्रीनशॉट को देखिए और देखने के बाद खुद फैसला कीजिए। ये नौजवान कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि दलाली की आखिरी हद पर हैं, इससे आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये हर बार मुझे गलत साबित करते हैं और बताते हैं कि दलाली की कोई हद नहीं होती और जो सुधर जाए वो मौलाना महमूद मदनी नहीं। ओवैसी से आपको इख्तलाफ सही, लेकिन कम से कम इन नफरती चैनलों पर बैठकर ओवैसी के खिलाफ बकवास तो ना करें, कहाँ क्या बोलना है इतनी समझ तो इंसान में होनी चाहिए, लेकिन इन दलों में अगर इतनी समझ होती तो आज मुसलमानों की यह हालत नहीं होती। अब हम आपको दूसरा कमेंट दिखाते हैं। ये साहब इतना भद्दा कमेंट करते हैं, ये कहते हैं वैसे तो मैं बचता हूँ इख्तलाफी गुफ्तगू से, लेकिन अब ज़रूरत महसूस होती है कि महमूद आमदनी को मुंह की बवासीर का इलाज करा लेना चाहिए। अब ये साहब कहते हैं अगर आप हिंद में मुस्लिम लीडरशिप से नाइत्तफाकी रखते हो तो मैं आपसे इत्तफाक हरगिज़ नहीं रख सकता। ये साहब कहते हैं चंबल की घाटी की डकैती और टांडवी खुद साख्ता मदनी ख़ानदान की बकैती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब ये साहब कहते हैं दरअसल मुसलमानों को ख़तरा नहीं है ओवैसी जी की सियासत से, बल्कि मदनी परिवार को है, क्योंकि अगर मुसलमानों ने ओवैसी जी को रहबर मान लिया तो फिर इनको कौन पूछेगा। अब ये एक साहब सवालिया अंदाज में कहते हैं CAA NRC और 3 तलाक पर आप कहाँ थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर आप कहाँ थे, मुस्लिम नौजवानों को मोब लिंचिंग पर आप कहाँ रहते हैं, मदरसे मस्जिद तोड़े जाते हैं आप कहाँ रहते हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़े जाते हैं आप कहाँ रहते हैं, इखलाक पहलू खान तबरेज नासिर जुनेद पे आप कहाँ रहते हैं, बाबरी ज्ञानवापी मस्जिद पर आप कहाँ रहते हैं। ये साहब पोस्ट करते हुए लिखते हैं ये है हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब, वैसे ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मगर फिर भी आज इनका तारुफ़ कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इन्हें शायद ज़ाम हो गया है कि ये जमीयत के दूसरे धड़ के साथ मुसलमानों के भी सदर बन गए हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में ही हिंदी मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुत्तफ़िका तौर पर अपना हीरो तस्लीम कर लिया है, जो कि महज सियासी रहनुमाई नहीं बल्कि मजहबी रहनुमाई के लिए भी हिम्मतन तैयार रहते हैं। अगर इसमें आपको कोई शक हो तो उनकी सरगर्मियों का गैर जामदाराना जायज़ा ले लीजिए, मगर ये हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब ने न जाने किस खुशफहमी की बिना पर एक इंटरव्यू में साफ तौर पर मुसलमानों की इस जमात को पागल कहते पाए गए हैं, जो कि आजकल मुंबई में गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी और मुसलमानों के कत्लेआम पर उभारने वाले नीतीश राणा के ख़िलाफ़ असदुद्दीन ओवैसी व इम्तियाज़ जलील की एक आवाज़ पर जमा हो गए थे।
क्या महमूद मदनी साहब का दिल नहीं धड़का था ये कहते हुए कि हम किस भीड़ को पागल दीवाना और मजनू कह रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिस दीदा दिलेरी का मुजाहरा ओवैसी साहब की मुखालिफत में किया है, काश इसका हल्का सा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी मुस्तकिल पायदारी से कर लेते तो आज कौम मुस्लिम हरगिज़ इस मकाम पर नहीं पहुँचती जहाँ आज पहुँची हुई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। बहराइच में मुसलमानों के 126 मकानों को बिल्डोज करके सुप्रीम कोर्ट के हालिया फरमान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। अगर मौलाना महमूद मदनी साहब के अकीदतमंद अहबाब हमें तान ना करें तो बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि मौलाना मदनी एक ज़रख़रीद मौलवी बन गए हैं। उनकी जिस तरह जुर्रतमंदाना पॉलिसी मुसलमानों के बीच रहती है उसी के बरक्स गैरों के बीच भी हो जाती है। बिसा औक़ात ऐसा महसूस होता है कि वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मुसलमान हिंदुस्तान में एक मजबूत व ताकतवर कौम की हैसियत से उभरे, क्योंकि उनका जहन दोहरी पॉलिसी वाला कांग्रेसी जहन हो गया है। हकीकत हाल का इल्म यूं तो अल्लाह ही को है, मगर जाहिर के हम मुकल्लफ हैं, इसलिए ये तबसरा इसी नज़रिए के तहत देखा और पढ़ा जाए। ये अजफर मंसूर कोई साहब है जो ये कमेंट करते हैं। बाकी की तमाम कमेंट्स हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे पार्ट नंबर 2, आप उसे पूरा देखें वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किन साहब ने क्या राय दी है, क्या कमेंट किया है, आप दूसरी वीडियो में पूरा देखें।